आज का हमारा सब्जेक्ट है ओवेरियन सिस्ट, जो बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में एक बढ़ती हुई समस्या बनता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाओं को जनरली ये प्रॉब्लम रहती है। कई बार प्रेगनेंसी के चलते ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, कई बार नॉर्मली भी ओवेरियन सिस्ट हो जाता है बहुत एक कारणों की वजह से, या हम देखते हैं कि अगर इस सिस्ट को ना रिमूव किया जाए, हटाया ना जाए बॉडी से, तो ये बर्स्ट भी हो सकता है। इसके क्या कारण होते हैं और कैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यही जानेंगे डॉक्टर आर के मिश्रा और डॉक्टर जे एस चौहान से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी डॉक्टर मिश्रा कि हम सीधे ऑपरेशन थिएटर जाकर अपने दर्शक जो कि घर बैठकर इस शो को देख रहे हैं और जो दर्शक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें समझाएं कि यह सर्जरी क्या है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, कितनी आसानी के साथ किया जाता है, ये कितनी सेफ होती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। चले तो आइए चलते हैं सीधे ऑपरेशन थिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, क्या किया जाता है सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में? लेप्रोस्कोपी, लैप मींस एब्डोमेन एंड स्कोपी मींस सीइंग इनसाइड द एब्डोमेन। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग एक टेलीस्कोप डालते हैं पेट के अंदर, उसके बाद पेट का सारा ऑर्गन कैमरा मॉनिटर पे दिखने लगता है वो। हाँ, दैट विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी इमेज एंड एवरीथिंग लाइक किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो वी कैन सी इन लार्ज मैग्नीफाइड इमेज एंड दैट इमेज विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी, हाई डिफिनीशन। तो एक माइन्यूट डिटेल भी है, अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, ऑल दो वी हैव ऑलरेडी डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन बिफोर, बट वी कैन सी मैग्नीफाइड व्यू एंड आफ्टर दैट वी विल इंट्रोड्यूस टेलीस्कोप। वो कैसे करते हैं कि एक छोटा सा निक देते हैं, ओनली 2 mm निक देते हैं और अम्बिलिकस में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक 2 mm निक देके उसके बाद एक नीडल होता है, दैट इज कॉल्ड वेरस नीडल। तो वेरस नीडल हम लोग डालते हैं और ये वेरस नीडल का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पेट के अंदर उसको फुला देता है, जैसे गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी सेफ गैस फॉर दिस पर्पस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से एडवांटेज ये है कि वो 200 टाइम मोर एब्जॉर्बेबल गैस है, तो एब्डोमेन में रहता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और सर्जरी के बाद हम लोग उसको बेसिकली निकाल देते हैं, वी डोंट लीव इट देयर एंड आफ्टर दैट हम लोग ये इसको CO2 लगा के फिर इसको डिस्टेंट कर रहे हैं। तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता बॉडी के अंदर? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल कैविटी में जाता है। ऑलरेडी हमारे एब्डोमेन में भगवान ने दिया हुआ है कैविटी, और उस कैविटी में जितने भी ऑर्गन है वो सब ड्वेल करते रहते हैं, तो बस उस कैविटी को डिस्टेंट करना है सो दैट वी हैव ए स्पेस टू वर्क। सो जस्ट लाइक किसी किसी को अगर गैस भी बन जाता है तो उसका डिस्टेंट हो जाता है एब्डोमेन, तो उसी तरह से पेट को फुलाना पड़ता है और एट द एंड ऑफ सर्जरी फिर सारा CO2 हम लोग सक कर लेते हैं। अच्छा, तो जिससे वो पेट के अंदर छूट ना जाए। हाँ, छूट ना जाए। तो अब ये गैस फुल गया, उसके बाद फिर हम लोग CO2 का काम जब हो जाता है तो देन वी टेक वन ट्रोकार। ये एक ट्रोकार है जिसके थ्रू कैमरा जाता है। अच्छा। और इस ट्रोकार को अंदर डालते हैं, तो ये यही सबसे बड़ा छेद है जो कि 10 mm का होता है केवल। अब ये अंदर चला गया। और इससे पहले पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया या कुछ ऐसा दिया जाता है? एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया मशीन है वहाँ, तो जनरल एनेस्थीसिया चलता रहता है और कभी कभी स्पाइनल में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़ी बड़ी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी या फिर रेडिकल प्रोसीड्योर में कभी कभी 2-3 घंटा टाइम भी लगता है, तो उसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और अभी इस मॉनिटर में अंदर का पूरा सारा ऑर्गन दिख रहा है आपको, यूट्रस दिखेगा जी, फिर फेलोपियन ट्यूब दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। उसके बाद फिर एक और छेद हम लोग करते हैं, कभी कभी 3 छेद की भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा जो इंसिजन होता है वो केवल 5 mm का होता है। और 3 छेद की ज़रूरत कब पड़ती है? 3 छेद की ज़रूरत होती है जब बड़ी सर्जरी है, जैसे कॉलेस्टेक्टोमी वगैरह है। गाइनी प्रोसीड्योर में जनरली 2 होल से भी हो जाता है, और वैसे अभी तो सिंगल इंसिजन भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक भी होल से हो सकता है। तो ये दूसरा चला गया। उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ये हारमोनिक स्काल्पेल है, तो इट्स नॉट ए करेंट, इट्स ए अल्ट्रासोनिक एनर्जी, और ये साउंड वेव से कट करता है अंदर। तो ये हारमोनिक स्काल्पेल अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, उसके बाद फिर उसको हम लोग पेट के अंदर डाल देते हैं। उसके लेजर सर्जरी हम कह सकते हैं? हाँ, लेजर इज ऑल्सो यूज, बट नाउ इट इज मोर एडवांस देन द लेजर, जैसे इसमें कोई हीट नहीं होता है। लेकिन अगर अभी आपको मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको। अच्छा। देखिए कट हो रहा है ये,
और ये कट हो रहा है विदाउट एनी स्मोक एंड विदाउट एनी मींस बर्न, यू कैन कट इट लाइक दैट। तो ये साउंड वेव से कट होता है। देखिए अगर गौर से देखेंगे तो आफ्टर कटिंग लिटिल स्मोक इज देयर, वेरी लिटिल, बट इट कैन कट द एनी थिंग विच यू नीड। और ये देखेंगे थोड़ा सा स्मोक आ रहा है। हाँ, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें अगर सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है तो देन इट कैन डैमेज द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड बिकॉज यू नीड ए हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग डायरेक्टली ऑन द पेशेंट। पेशेंट के शरीर को हम लोग देखते ही नहीं हैं ऑपरेशन के समय, और हम लोग को मोनिटर पर देख के करना पड़ता है। और अगर इसमें सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, so then he can do a lot of complication, he can in fact damage the body part. That's why it's little advanced surgery, but the thing is that you andar wahi kaam kar sakte hain jo ki pet chir ke hoga, ji lekin isme instrument hi andar chala jata hai aur camera hi andar chala jata hai. That's why we have a 20 time magnified view. बट यहाँ पर डॉक्टर साहब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओपन जो सर्जरीज हैं उन पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, तो ये जो सर्जरी है कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत ही लाइक अच्छे एक्सपर्ट या एक क्वालिफाइड सर्जन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो ओपन सर्जरी में भी है, लेकिन ये सर्जरी ओपन सर्जरी से किस तरह बेहतर साबित होती है? देखिए, ओपन सर्जरी में आप नेकेड आई से देखते हैं, और उसके लिए आपको यू हैव टू मेक ए बिग डोर। जैसे अगर किसी घर के अंदर आपको जाना है और आपको खुद घुसना है घर के अंदर, तो यू हैव टू इंटर थ्रू ए डोर। बट अगर आपको घर के अंदर अगर विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी डोर इफ़ यू हैव टू इंटर, तो सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस वन कैमरा। तो इसमें क्या है, अभी तो हर एक चीज़ कैमरा से हो रहा है। आप भी जो स्कैम वगैरह पकड़ती हैं तो कैमरा से पकड़ती हैं, तो दैट मीन्स यू कैन पुट द टेलीस्कोप एनी वेयर एंड यू हैव ए मैग्नीफाइड HD क्वालिटी इमेज। तो जो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में काफ़ी टाइम से है। लैप्रोस्कोपी में इसका एडवांटेज जॉन हॉपकिंस ने शुरू किया था, फर्स्ट लैप्रोस्कोप जॉन हॉपकिंस ने बनाया था 1953 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। बट इनिशियली लैप्रोस्कोपी केवल सिंपल डायग्नोस्टिक और इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता था। अब वो कैंसर के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, किडनी के ट्यूमर के लिए, इवन कोलन के कैंसर के लिए, या फिर पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किसी भी ऑर्गन के लिए, हर तरह के एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए तो इसको यूज किया जाता है। नॉट ओनली एब्डोमिन, देयर इज अ थोराकोस्कोपी, इन थोराकोस्कोपी इवन यू कैन डू कार्डियक बाईपास सर्जरी, कार्डियक ट्यूमर सर्जरी, कार्डियक वाल्व सर्जरी। तो इनफैक्ट धीरे धीरे इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन दे ऑल्सो नीड इट टू डू आर्थ्रोस्कोपी फॉर नी ज्वाइंट सर्जरी। ENT सर्जन दे डू साइनस सर्जरी। अच्छा, मतलब सिर से लेके पांव तक कुछ भी अभी इससे किया जा सकता है, कोई भी सर्जरी इससे की जा सकती है। ओह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने परफॉर्म करके हमें बताया पूरा, और हमारे दर्शकों ने भी आज देखा कि किस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और अभी स्टूडियो में जाएं उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा कितना कम वक्त यहाँ पर लगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम भी बात करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स का प्रोसीजर है अगर छोटी सर्जरीज हैं, और अगर बड़ी सर्जरी है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है, डे केयर सर्जरीज को कहा जाता है, पेशेंट उसी दिन घर भी जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती हैं, और ये काफ़ी आसान भी होती है। अभी चलते हैं सीधे स्टूडियो, वहाँ पर और ढेर सारी बातें जो डॉक्टर साहब से पूछनी अभी बाकी है, और वैसे भी हमारे दर्शक भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सो लेट्स गो। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से अगर ओवेरियन सिस्ट भी है तो उसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू आसानी के साथ मॉनिटर पर देख के, जूम करके रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत होती है एक स्किल्ड सर्जन की, और देश के जाने माने स्किल्ड सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हमारे साथ डॉक्टर आर के मिश्रा, और हमारे बहुत ही खास एक्सपर्ट डॉक्टर JS चौहान हमारे साथ हैं, जो इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं और पूरी तरह से आपको जानकारी देने वाले हैं। आप भी इस बारे में हमसे जान सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या फिर आपको कोई और समस्या है शरीर में, या आपके किसी अपने को कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब भी आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और तो और आप मेल्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, ओवेरियन सिस्ट क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है इसके? ओवेरियन सिस्ट एक पानी की थैली बन जाती है ओवरी के अंदर। नॉर्मली हर एक वोमेन में महीने में एक बार सिस्ट बनता है, जिसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं,
और वो रप्चर होता है और उसके रप्चर होने से उसमें से एक बाहर आता है और वो एक ही यूट्यूब के थ्रू जाके और फिर वो फर्टिलाइज होता है जिससे कि बच्चा होता है। तो इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ये साइकिल चलता है, जबकि ओवरी का एक सिस्ट रप्चर होता है और उससे एक बाहर जाता है और वो फिर ट्यूब के थ्रू फिर यूट्रस के अंदर आता है और ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी किसी कारण से जो फॉलिकुलर सिस्ट, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, वो फॉलिकुलर सिस्ट रप्चर नहीं होता है और वो बढ़ना शुरू कर देता है। वो बढ़ता जाता है और कभी कभी तो वो 30-30 सेंटीमीटर बड़ा होता है, जो कि एब्डोमेन लगेगा कि फीमेल इज फुली प्रेग्नेंट फुल टर्म, और वो उतना बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी सिस्ट बनता है एंडोमेट्रियोसिस के चलते, जो कि यूट्रस का एंडोमेट्रियल लेयर है वो ओवरी के अंदर जाके चॉकलेट सिस्ट बना देता है। कभी कभी ओवेरियन सिस्ट कंजेनाइटल होते हैं, जिसमें कि ओवरी के अंदर हेयर बॉल टूथ नेल, जो कि एपिडर्मल कंजेनाइटल लेयर्स होता है, वो ओवरी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। हाँ, बहुत रिस्की होता है और बाद में कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवेरियन सिस्ट के कई कारण हैं, जैसे कि सिंपल सिस्ट, जो कि फॉलिकुलर सिस्ट जो रप्चर नहीं किया वो सिंपल सिस्ट हो गया, एंडोमेट्रियल सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूसिनस सिस्ट, तो 5-6 तरह के सिस्ट होते हैं। तो और सिस्ट का सर्जरी लैप्रोस्कोपी से काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो जनरली ओवेरियन सिस्ट की समस्या जब आए तो उससे इनफर्टिलिटी भी होती है, क्योंकि अगर दोनों ओवरी में सिस्ट है तो फिर ओवरी का नॉर्मल फंक्शन हैम्पर हो जाता है, तो बच्चे भी नहीं होते हैं। कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है, जिसमें कि ढेर सारे सिस्ट बन जाते हैं, PCOD भी कहते हैं, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम होता है। तो सिस्ट की जितनी भी बीमारी है ओवरी से संबंधित, उसके लिए लैप्रोस्कोपी काफ़ी कारगर सर्जरी है, जिसमें कि छोटे से छेद से हम लोग इलाज कर सकते हैं, सिस्ट निकाल सकते हैं, ओवरी को बिना नुकसान पहुँचाए। हाँ, और उसमें पेशेंट को बस एक दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, उसी दिन इवनिंग में वो डिस्चार्ज हो जा सकता है और विद इन ए वीक वो अपने नॉर्मल फंक्शन में जा सकता है विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी स्कार। तो ये काफ़ी अच्छी सर्जरी है। डॉक्टर चौहान, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवेरियन सिस्ट को रिमूव करने के लिए जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो एक बेहतरीन सर्जरी मानी जाती है और एक ही दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, ओपन सर्जरी से किस तरह से बेनिफिटेड कही जाती है इन टर्म्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट को रिमूव करने? देखिए, अगर आप ओपन सर्जरी करवाएंगे तो आपको बड़ा स्कार होगा तो आपका पोस्ट ऑफ रिकवरी जो है वो ज़्यादा दिन की होगी, आप अपना हड्डी वर्क पे नहीं जा सकते, आपकी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होती। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ओवेरियन सिस्ट जो हो जाती है, क्या उसे भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू बिना फीमेल को नुकसान पहुंचाए, फीटस को नुकसान पहुंचाए परफॉर्म किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो सबसे सेफ है सर्जरी करने के लिए। अगर कोई महिला को कोई ऐसा डायग्नोसिस होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, तो उसको हम लेप्रोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं। तो जिस तरह से डॉक्टर चौहान ने कहा कि ये पूरी तरह सेफ है, हम जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि ओवेरियन सिस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बर्स्ट होने के चांसेस हो जाते हैं उसके, क्या उसके इसमें भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है और ये सेफ रहेगी? हाँ, उसमें है, उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड पहले लेप्रोस्कोपी करने से पहले ओवरी को श्रिंक कर लेते हैं, अच्छा, एस्पिरेट करके, और उसके बाद लेप्रोस्कोप डालते हैं, और इवन द बर्स्ट भी हो चुका है उसमें भी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन सर्जन स्किल होना चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि लैप्रोस्कोपी करने से उसमें जो सिस्ट का वाल है उसको ओवरी को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जिसमें कि कैंसर हो चुका है ऑलरेडी और अगर वो ब्रस्ट कर गया अंदर कैंसर की स्थिति में, तो उसमें कैंसर फैलने का डर रहता है। और जब आप जानते हैं कि कैंसर टिश्यू अगर फैल गया तो फिर रिकरेंस का चांस रहता है, दूसरे जगह से उसको दोबारा होने का चांस रहता है। तो हमारे हिसाब से वो नौबत नहीं आने देना चाहिए। अगर सिस्ट की सर्जरी की ज़रूरत है तो टाइम से करवा लेने से अच्छा रहता है, क्योंकि सिस्ट जितना छोटा है सर्जरी उतना आसान होता है। सिस्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं?
सिस्ट के कई सिम्टम हो सकते हैं। एक तो सिम्टम है कि अगर टॉर्शन हो जाए सिस्ट का तो सीवियर पेन होता है, जिस साइड राइट और लेफ्ट है तो सीवियर पेन होगा। अगर एंडोमेट्रियोमा है और एंडोमेट्रियोसिस है पेल्विस का तो मेंसेस के समय सीवियर एब्डोमिनल कोलिकी पेन होता है, पेशेंट को अनबियरेबल पेन होगा मेंसेस के टाइम। दूसरा, कभी कभी वो ब्रश करता है तो उसमें तो जानलेवा दर्द होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिंपल सिस्ट है तो वो सिम्टम नहीं भी पैदा करता है, उसमें सिम्टम केवल एब्डोमिनल गर्द का एब्डोमिनल इलार्जमेंट होगा, वो एब्डोमिन डिस्टेंडेड होता जाएगा, लेकिन बिना दर्द के सिंपल सिस्ट है और वो काफ़ी दिन से है। कभी कभी तो सिस्ट है कि नहीं औरतों को पता ही नहीं चलता। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि कई बार पता ही नहीं चलता इसके बारे में, क्योंकि कुछ सिंपल सिस्ट होते हैं जो सिम्टम नहीं करते, जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अगल बगल के ऑर्गन को प्रेस करता है तब सिम्टम। तो ऐसे कंडीशन में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है एब्डोमेन का तो एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए, बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंपल सिस्ट है अगर 2-3 सेंटीमीटर का तो उसकी सर्जरी आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई फॉलिकल इलाज किया और वो उस साइकिल में नहीं रप्चर किया, नेक्स्ट साइकिल में रप्चर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक उससे क्या होगा तो वो सिस्ट खत्म हो जाएगा खुद। अच्छा, ओके ओके। तो जो सिस्ट 2-3 सेंटीमीटर का ही है और सिंपल सिस्ट है उसको फॉलो अप करने की जरूरत है, 2-3 महीने के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर वो खत्म हो चुका है खुद से तो कोई बात नहीं। लेकिन जो सिस्ट 10-15 सेंटीमीटर वो खुद से खत्म होने की बात खत्म हो गई है, उसके लिए लैप्रोस्कोपी मस्ट है। हाँ, तो अगर आप भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, ओवेरियन सिस्ट अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में है, आप डायग्नोसिस करा चुके हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है, तो जरूर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चौहान आपको जरूर बताएंगे कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं विद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इन पे कॉल कीजिए हमें और अपना सवाल हमसे पूछिए, साथ साथ आप मेल्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो हमसे जानना चाहते हैं कुछ सवाल, आइए देख लेते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं हमसे। जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो सर, मेरा नाम निकिता है, मुझे ओवेरियन सिस्ट की समस्या है और ये समस्या पिछले 3 साल से है, तो क्या मुझे दूरबीन से ऑपरेशन कराना चाहिए, और अगर कराती हूँ तो इसमें कितने खर्च होंगे और कब तक मैं ठीक हो जाऊंगी ताकि घर के कामकाज में हाथ बटा सकूं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम पिछले 3 सालों से है, तो क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही इसमें एक सॉल्यूशन होता है, और अगर ऐसा होता है तो खर्चा कितना आएगा, प्लस ये भी जानना चाहती है कि बैक टू वर्क कितने दिनों में वापस काम करने लग जाएंगे अपना घर का। इनका अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है या सिंपल सिस्ट है, लेकिन कोई भी सिस्ट हो लैप्रोस्कोपी ओपन से बेहतर है, और कितना खर्च लगेगा वो भी इस बात पर डिपेंड करता है साइज कितना बड़ा है। अगर छोटा सिस्ट होता है तो उसमें एंडोबैग की जरूरत नहीं होती है, बड़ा सिस्ट होता है तो हम लोगों को एक्सपेंसिव एंडोबैग यूज़ करना पड़ता है। एंडोबैग मीन्स एक तरह का थैला होता है जिसमें सिस्ट को रख के बाहर निकालना, जिससे कि वो रप्चर नहीं करे, कैंसर नहीं फैलाए, तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज वोमेन को 5-6 सेंटीमीटर का सिस्ट होता है तो वो डायग्नोज हो जाता है, और एवरेज वोमेन को सिंपल सिस्ट ही होता है। तो अगर ये हुआ तो उसमें 30-40 हज़ार रुपये तक में ऑपरेशन हो जाएगी, और इनको केवल एक दिन ऑपरेशन में टाइम लगेगा, एक दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, नेक्स्ट डे ये घर पे वापस जाते। तो ये एक अच्छी बात है कि जो टाइम है हॉस्पिटल में रहने का वो भी कम है, सर्जरी में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और इजीली इसे परफॉर्म किया जा सकता है, और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बिल्कुल सेफ होती है और बिल्कुल रिस्की नहीं होता है इस प्रोसीजर को करना, और हमने ऑपरेशन थिएटर में भी ये प्रोसेस आपको डमी के ऊपर करके दिखाया, तो आप ज़रूर इसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं ओवेरियन सिस्ट को रिमूव करवाने के लिए। हम तो कहेंगे ज़रूर करें भी, क्योंकि पिछले 3 सालों से आपको ओवेरियन सिस्ट की समस्या है, तो उसको और डिले ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ओवेरियन सिस्ट का जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाए और कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता वो कैंसर में भी तब्दील हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक का सवाल जान लेते हैं। जी बताइए नाम आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम राहुल है, मेरी वाइफ को ओवेरियन सिस्ट की समस्या है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या अगर उसका दूरबीन से ऑपरेशन किया जाए तो क्या उसमें कोई नुकसान हो सकता है, और उसमें प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? प्रेगनेंसी में अगर ओवेरियन सिस्ट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है
और छोटा है तो आप डिलीवरी तक वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिक है, दर्द कर रहा है और सिस्ट है, तो आपको लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लैप्रोस्कोपी इज सेफ इवन इन प्रेग्नेंट पेशेंट, और जैसा डॉक्टर चौहान ने बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट टाइम। तो जैसे कि मतलब 14th वीक से लेके 20th वीक के अंदर में वो लैप्रोस्कोपी से ओवेरियन सिस्ट को निकलवा दें, और उसमें प्रेगनेंसी को कोई खतरा नहीं है। ओल्ड टाइम में लोगों की धारणा थी कि CO2 से प्रेगनेंसी को खतरा होगा, लेकिन वो धारणा गलत थी। अभी जो रिसेंट लिटरेचर है वो लैप्रोस्कोपी को प्रेग्नेंट वुमेन में भी काफ़ी सेफ मानते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा कि इसमें एज फैक्टर भी मायने रखता है कि पेशेंट की उम्र नहीं? नहीं, एज फैक्टर मायने नहीं रखता है। कभी कभी तो ओवेरियन सिस्ट कॉन्जेनाइटल भी होता है, तो एक साल के बच्चे को भी हो सकता है। अच्छा, तो उसमें भी लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, डर्मोइड सिस्ट में पूरे सेफली परफॉर्म किया जा सकता है, और कभी कभी वो 70 साल की औरत को भी हो सकता है। यानी तो घबराने की बात नहीं है, और लैप्रोस्कोपी किसी भी एज में हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी हो सकता है, नली पेरस में भी जो जवान लड़की है उसमें भी हो सकता है, और एक्सट्रीम ओल्ड एज में भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा, आपने हमारे दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए, और आपने इतनी खास इन्फॉर्मेशन डॉक्टर चौहान आपने भी हमारे साथ शेयर की ओवेरियन सिस्ट के बारे में, और कैसे सेफली विदाउट एनी रिस्क लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है, ये भी आज हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम हाजिर होंगे एक और समस्या के बारे में आपको सॉल्यूशन देने के लिए। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, और साथ साथ हाँ, आप अगर हमें कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं, कुछ भेजना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर मेल के जरिए तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप हमें इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स टॉक में इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।